क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली बार आरएसएस नाराज है? और ऐसे हालात में देश के रक्षा मंत्री का हैरान करने वाला बयान आता है। वहीं इस बीच नितिन गडकरी भी सरकार के कार्यों से परेशान बताए जाते हैं। फिर सवाल यही कि देश की जनता पीएम मोदी पर इतना मेहरबान क्यों है? क्या 2024 के लिए बीजेपी के संकेत अच्छे नहीं है? ये सवाल सियासी गलियारों में एकाएक क्यों गूंज रहे हैं? दरअसल केंद्र सरकार ने दूध दही पर जीएसटी लगाया तो आरएसएस सामने आया और देश के साथ बोलने लगा, ये तो गलत है। जीएसटी वाले फैसले से आरएसएस के साथ साथ बीजेपी नेता तक नाराज दिख रहे हैं। उनका मानना है कि टैक्स बढ़ाने से देश की जनता पर बुरा असर पड़ेगा। अपनी ही सरकार के लिए फैसले से बीजेपी नेता एक के बाद एक, पहले तो सांसद वरुण गांधी ही सवाल उठाते थे, मगर अब राजनाथ सिंह और उसके बाद नितिन गडकरी का बयान आया और अब आरएसएस भी कुछ हैरान परेशान करने वाला बयान दे रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले के बाद बीजेपी के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या बीजेपी के कुछ नेता मोदी विरोध की शुरुआत कर चुके हैं? सबसे बड़ा सवाल तब उठा आरएसएस के सर कार्यवाहक दायित्रे हसबोले ने जीएसटी वाले फैसले पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। अब आम तौर पर आरएसएस हर फैसले पर मोदी सरकार के साथ खड़ी होती है। बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में आरएसएस की भी अहम भूमिका मानी जाती है। ऐसे में क्या आरएसएस मोदी से नाराज है? हम आपको बताएं, उससे पहले सुनिए दायित्रे हसबोले ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि देश की जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है, ऐसे में मुद्रा स्थिति और खाद्य कीमतों के बीच संबंध पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। लोग चाहते हैं कि भोजन, कपड़ा और मकान सस्ते हों, क्योंकि ये लोगों की जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर जनहित का हवाला देकर सवाल उठाए हों, क्योंकि 6 साल पहले 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी, तब भी जनता परेशान थी, बैंकों के बाहर लाइन लगा के खड़ी थी, विपक्ष ने खूब सवाल उठाए थे, लेकिन तब आरएसएस ने मोदी सरकार के इस फैसले का बचाव किया था। मोहन भागवत ने कहा था, ये फैसला देश के हित में है। कहते हैं मोदी को प्रधानमंत्री भी बनाने वाला आरएसएस ही है। ऐसे में पीएम मोदी आरएसएस की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेंगे, इसलिए कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं ये जीएसटी वाला फैसला देश हित में वापिस भी जल्द लिया जा सकता है, लेकिन ये महज कयास हैं। वहीं दूसरा सवाल ये भी कि क्या बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा? क्या मोदी के बढ़ते कद से नंबर 3 और नंबर 4 नेता परेशान होने लगे हैं? राजनाथ सिंह ने 24 जुलाई को पार्टी लाइन से हटकर एक बयान दे दिया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये तक कह रहे हैं कि मोदी और शाह नेहरू को पानी पी पी कर कोसते हैं और लगभग हर समस्या के लिए नेहरू को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ने ये कैसा बयान दे दिया? जम्मू कश्मीर पहुंचे राजनाथ सिंह ने कह दिया कि बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं, मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता, नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है। जी, ये राजनाथ सिंह का बयान। मतलब गरीबी से लेकर विकास के मुद्दे और 1962 के युद्ध तक में नेहरू पर सवाल उठाना राजनाथ सिंह को अच्छा नहीं लगता। लोग तो ये भी कहते हैं कि राजनाथ सिंह जब तक देश के गृह मंत्री रहे तब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी चैन से रहे, लेकिन अमित शाह के गृह मंत्री बनते ही उनकी मुश्किलें खड़ी हो गई, ईडी के सामने पेश होना पड़ रहा है। हालांकि राजनाथ सिंह ऐसे इकलौते मंत्री नहीं, बल्कि नितिन गडकरी इनसे भी एक कदम आगे निकल चुके हैं। मोदी शाह कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, जबकि गडकरी चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। तभी तो गडकरी ने कहा, लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। लगातार चुनाव में हारने वाली कांग्रेस फिर मजबूत बने और पार्टी के नेता निराश होकर पार्टी ना छोड़े, ये मेरी इच्छा है। अगर ऐसी इच्छा पार्टी के किसी और नेता ने जताई होती
तो उसे बीजेपी अब तक नोटिस थमा देती, लेकिन गडकरी हमेशा अपने बयानों और शानदार काम करने के तरीके के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। लोकतंत्र के लिए विपक्ष का खत्म होना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस अब मजबूत विपक्ष बनकर लौटेगी ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए जहां बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, वहीं कांग्रेस के नेता अपने घर में आराम फरमा रहे हैं या फिर अपने ही नेताओं के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। वहीं अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी में क्या बगावत की सुगबुगाहट है, लेकिन शाह के रहते ऐसा कोई बगावत करे ये संभव भी नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।